हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु आनंद और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी में। आज जो है यहां पे हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो यहां पे जो टॉपिक्स होंगे वो आपके आने वाले सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर आपने पार्ट वन जो है यहाँ पे जून 2020 के करंट अफेयर्स की पार्ट वन वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके भी आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो जून 2020 के पार्ट वन वाला जो है वीडियो आप देखना ना भूलें, ये जो है जून 2020 के पार्ट टू का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तो यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे 3 साल के लिए नियुक्त किया है तुषार मेहता को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, तुषार मेहता को यहाँ पे भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हुआ आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हर वर्ष सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1 जुलाई को हर वर्ष सीए यानी नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस सीए मनाया जाता है। तो 1949 में यहाँ पे आईसीएआई की स्थापना हुई थी भारत में, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के स्थापना दिवस के ही उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ पे नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। तो ये जो है हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हाल ही में किसे पहले पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से यहाँ पे सी रंग राजन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है, सी रंग राजन को यहाँ पे पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर बात करें यहाँ पे पीसी महाल नोबिस पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार की शुरुआत एमओएसपीआई द्वारा की गई है, एमओएसपीआई द्वारा इसी वर्ष की गई है 2020 में। तो ये पहला पुरस्कार दिया गया है सी रंगराजन यानी चक्रवर्ती रंगराजन को। तो ये जो है आरबीआई के पहले, इससे पूर्व वाले गवर्नर भी रह चुके हैं, सी रंगराजन जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है। तो यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में भारत में दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खुला है। तो प्लाज्मा बैंक का क्या काम है यहाँ पे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा बैंक जो है कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए खोला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति अगर ठीक हो जाते हैं तो उनके बॉडीज में क्या होता है कि एक तरह का एंटीबॉडीज बनने लगती है। ठीक है, उनके बॉडीज के जो है ब्लड में जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है, उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है, जिससे जो है भविष्य में उन्हें कोरोना वायरस से खतरा नहीं रह पाता। तो यहाँ पे उन्हीं एंटीबॉडीज को यहाँ पे उनके रक्त लेकर, यहाँ पे ब्लड सैंपल लेकर दिल्ली के आईएलपीएल हॉस्पिटल में ये बैंक बनाया जाएगा। यह बैंक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों से जो से प्लाज्मा इकट्ठा करेगा। तो दोस्तों, जो मरीज लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं उनके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है। तो ये एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं, ये जो ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को यहाँ पे बैंक में निकाल कर इकट्ठा किया जाएगा। इनकी स्वेच्छा से जो भी मरीज होंगे वो रक्तदान कर सकेंगे, जिसे प्लाज्मा लिया जाएगा, उनका प्लाज्मा इकट्ठा कर लिया जाएगा ब्लड बैंक में, और उन्हीं प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को निकाल कर यहाँ पे जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं या फिर उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कोरोना वायरस के इलाज हेतु जो है यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी जो है विश्व भर में बहुत ही अच्छी मानी जा रही है आजकल, तो उसी को विकसित करने के लिए यहाँ पे प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे नेशनल डॉक्टर डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये जो है देश के एक महान डॉक्टर थे और वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम थे, उनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो यहाँ पे दोस्तों, वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम और प्रख्यात यहाँ पे डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस और मृत्यु दिवस यहाँ पे 1 जुलाई को ही इनका पड़ता है। तो यहाँ पे उनके जन्म दिवस और मृत्यु दिवस पर
यहाँ पे नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए इनके बारे में, तो इनको जो है एक बार जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो 30 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बनाया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला कवक पार्क बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उत्तराखंड। तो यहाँ पे एक कवक पार्क बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि एक कवक को आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे जीव विज्ञान वगैरह में पढ़े होंगे, आपने देखा भी होगा पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों पर, घरों की दीवारों पर जहाँ पे पानी गिरता है, तो वहाँ पे एक देखेंगे काई की तरह जो है कुछ वनस्पतियाँ उगाती हैं, ठीक है। वो जो है वनस्पति ही होती है एक तरह की, जो घरों की दीवारों पर उगती है, चाहे आप कहीं पहाड़ पे चले जाए वहाँ भी हरा हरा देखेंगे छोटा छोटा वनस्पति, तो वहीं क्या होती हैं, कवक होती हैं। इनको लाइकेन भी बोला जाता है, लाइकेन। विश्व भर में इसकी 20,000 प्रजातियां हैं, 20,000 प्रजातियां हैं, और भारत में टोटल इसकी 2,714 प्रजातियां हैं। यहाँ पे भारत में टोटल यहाँ पे कवक की 2,714 प्रजातियां हैं, जिसमें से 600 प्रजातियां अकेले उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कुछ जिले हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे जो है ये 600 प्रजातियां कवक की पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये कवक पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र में बनाया गया है। कहाँ पे? कुमायूं क्षेत्र में बनाया गया है। यहाँ पे मून स्यारी एक तरह का जंगल है, मून स्यारी एक जंगल क्षेत्र है, वहीं पे जो है यहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह जो है जर्मनी देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है एक तरह का कार्यक्रम है, जो प्लाज्मा थेरेपी और टेस्टिंग के लिए यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। तो ये जो है महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल और ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोरोना वायरस की से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए। तो यहाँ पे 20 करोड़ रुपए जो है इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ये जो है प्लाज्मा थेरेपी को विकसित करने के लिए ये प्रोजेक्ट बना है, प्रोजेक्ट प्लैटिना। आपको पता होगा प्लाज्मा के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए बहुत ही इस समय कारगर साबित हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोरोना वायरस से जो मरीज ठीक हो जाते हैं, तो उनके रक्त में क्या होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज उनके रक्त के प्लाज्मा में रहते हैं, तो उन्हीं प्लाज्मा को कलेक्ट कर लिया जाता है एक प्लाज्मा बैंक बनाकर, और जो है उन्हीं प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को दूसरे रोगी में जो कोरोना वायरस से संक्रमित होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, और इससे जो है यहाँ पे कोरोना वायरस के संक्रमण से भी लड़ने में यहाँ पे मदद मिलने वाली है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों बियांसे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बियांसे को यहाँ पे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बियांसे को उनके लंबे समय से परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। इनकी एक एनजीओ है, आई डिड माई पार्ट नामक एक एनजीओ है। ये एनजीओ इन्हीं के द्वारा और इनकी माँ द्वारा संचालित की गई है। ये जो है अश्वेत भूरे लोगों को समर्थन देती है संस्था ये इनकी, और स्वास्थ्य सुविधाओं को उन तक पहुँचाती है, जो भी हेल्प होती है ये जो है एनजीओ उनकी करती है। तो ये जो है अश्वेत और भूरे लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प करती आई है। तो बियांसे को यहाँ पे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान यहाँ पे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश।
तो ये यहाँ पे 500 टीमों को किल कोरोना अभियान के अंतर्गत यहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया गया है। वे क्या करेंगे, घर घर जाकर यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और ब्लड सैंपल को कलेक्ट करेंगे यहाँ पे घर घर पर जाकर। तो इसका लक्ष्य है कि 15 दिनों में 2.5 से 3 लाख जो है जांच का लक्ष्य है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए जो है ये अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 15 दिनों में 2.5 से 3 लाख यहाँ पे जांच का लक्ष्य रखा गया है। तो किल कोरोना नामक अभियान यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो यहाँ पे विनी महाजन जो है, विनी महाजन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विनी महाजन को यहाँ पे पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं, ठीक है। तो ये माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो है एक तरह से गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हर वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 29 जून। हाल ही में कौन ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो यहाँ पे इंडिया जो है यानी हमारा देश भारत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत जो है टिड्डियों यानी लोकस्ट को नियंत्रित करने वाला भारत का पहला देश बना है। यहाँ पे ड्रोन से यहाँ पे टिड्डियों को नियंत्रित किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जून में यहाँ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से होते हुए बहुत सारी टिड़ियाँ हमारे देश में प्रवेश कर गई थी, और यहाँ पे राजस्थान से होते हुए यूपी आगरा ये सारे इलाकों में टिड्डियों का प्रकोप हुआ था, बहुत ज़्यादा फसलें नुकसान हो गई थी। उनको रोकने के लिए यहाँ पे अभियान शुरू किया गया था, इसमें ड्रोन से दवाओं का छिड़काव किया गया था, तो राजस्थान इसका मुख्य फोकस था। तो यहाँ पे जो ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला इस तरह से भारत जो है पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे नासा का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका नासा का, तो उसमें जो उसका नाम बदलकर यहाँ पे मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। तो ये जो है नासा में पहली महिला ये जो साइंटिस्ट इसमें नियुक्त हुई थी, इनके जो है इनके कार्यों के लिए यहाँ पे 2019 में पुरस्कार से भी गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हालांकि 2005 में ही हो गई थी, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे नासा के वाशिंगटन डीसी के हेड क्वार्टर का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रख दिया गया है। आपको पता होना चाहिए इतना। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने ही महिलाओं को नासा में आने की राह खोली थी, ये जो पहली महिला थी जो नासा में गई थी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें स्विस बैंकों में धन जमा करने वालों की लिस्ट यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत को 77वां स्थान मिला है, भारत जो है बहुत नीचे है यहाँ पे स्विस बैंक में धन जमा करने में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में 77वां स्थान मिला है। अगर फर्स्ट प्लेस की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को फर्स्ट स्थान प्राप्त है। यहाँ पे कुल जो है 27% जो है जितने भी पैसे जमा है स्विस बैंक में, उसका जो है 27% ब्रिटेन द्वारा जमा किया गया है, उसके बाद जो है अमेरिका द्वारा, उसके बाद वेस्ट इंडीज द्वारा, और उसके बाद फ्रांस, उसके बाद हांगकांग। भारत का जो है इसमें जो फंड जमा है 0.06% है, यानी कुल जो है मिलाकर 6,625 करोड़ रुपए यहाँ पे भारत के इसमें जमा है। तो स्विस बैंक में कुल जो है भारत का 0.06% पैसा जमा है, और ये जो है 6,625 करोड़ रुपए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एमएसएमई दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व एमएसएमई दिवस हर वर्ष जो है 27 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 27 जून को हर वर्ष विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में लिवरपूल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्च में ही ये जो
कोरोना वायरस की महामारी के और लॉकडाउन के चलते हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 बंद हो गई थी मार्च में ही, और कुछ मैच रह गए थे। तो यहाँ पे 17 जून से फिर से चालू हुआ था लॉकडाउन खुलने के बाद वहाँ पे। तो लीवरपूल ने यहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो ये जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे दो देश हैं, इनको जो है संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है। तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो यहाँ पे हाल ही में पशुपालकों के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गोधन न्याय योजना के तहत यहाँ पे किसानों से गोबर इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। सरकार क्या करेगी कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किसानों से गोबर को खरीदेगी और वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगी, जिसको जो है बाद में किसानों, वन विभाग और जो भी गार्डन वगैरह यानी उद्यान वगैरह लगाते हैं उन विभागों को ये वर्मी कंपोस्ट खाद दिया जाएगा। ये योजना जो है 21 जुलाई से शुरू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, और इसके अतिरिक्त जो है इसके कारण जो है अतिरिक्त लोगों को आय होगी गांव में, और गोबर का जो है यहाँ पे जो खरीद होगी यहाँ पे गोबर का एक निर्धारित रेट यहाँ पे तय किया जाएगा सरकार द्वारा। तो उसको जो है किसानों से उठवा लिया जाएगा हर, तो क्या करेगी सरकार यहाँ पे घर घर से किसानों से गोबर इकट्ठा करके यहाँ पे खाद बनवाएगी सरकार, ठीक है। तो हाँ, अभी जो है सरकार की एक और योजना है कि गौमूत्र भी यहाँ पे सरकार इकट्ठा कराएगी, कोई योजना चलाएगी आगे आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान में इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा, इसको कृष्ण मंदिर नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 10 करोड़ का खर्च आएगा जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बनाया जाएगा, इसको कृष्ण मंदिर नाम दिया गया है, इसका शिलान्यास भी हो चुका है। यहाँ पे मानवाधिकारों के जो संसदीय सचिव हैं लाल चंद माल्ही ने इस कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया है, लाल चंद माल्ही ने। ये उद्घाटन जो है 23 जून को ही हो चुका है, 23 जून को यहाँ पे इसका शिलान्यास इस मंदिर का हो चुका है। ये मंदिर जो है कुल 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा, 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एच नाइन इलाके में बनाया जाएगा। तो ये जो है H9 इलाके में बनाया जाएगा, 20,000 फुट स्क्वायर फुट एरिया में जो है यहाँ पे ये मंदिर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? तो हाल ही में जो है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय यानी योगा यूनिवर्सिटी खुली है अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय यानी योगा यूनिवर्सिटी खुली है। तो यहाँ पे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में ये यूनिवर्सिटी खोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के जो कुलपति हैं डॉक्टर H.R. नागेंद्र, इसके जो है पहले अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में ये योग यूनिवर्सिटी खुली है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संजय कुमार। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है संजय कुमार जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया है? 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार मधुवंती दांडेकर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मधुवंती दांडेकर। किर्लोस्कर संगीत रंगभूमि जीवन पुरस्कार इसका पूरा नाम है, किर्लोस्कर संगीत रंगभूमि जीवन पुरस्कार, ये जो है इस पुरस्कार का पूरा नाम है। किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार यहाँ पे संगीत और रंगभूमि में नाट्य कलाकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान और कार्य के लिए दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू
पढ़ो योजना शुरू की है। तो यहाँ पे एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, त्रिपुरा। तो यहाँ पे त्रिपुरा में क्या होगा कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो के अंतर्गत यहाँ पे मोबाइल द्वारा, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के चलते यहाँ पे पूरे देश भर में स्कूलों के खुलने का असमंजस बना हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी सारे के सारे पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई ही एक ऑप्शन रह चुका है। तो इसके लिए जो है सरकार क्या की है कि मोबाइल फ़ोन के जरिए यहाँ पे एक टू पढ़ो एक टू योजना के अंतर्गत बच्चों को यहाँ पे डेली यहाँ पे वर्क दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, सुबह यहाँ पे वर्क दिया जाएगा, दोपहर में इसका प्रगति रिपोर्ट बच्चों की चेक की जाएगी। तो ये जो है पूरी तरह से त्रिपुरा में लागू कर दिया गया है। ये 25 जून से शुरू हो चुका है, त्रिपुरा में 25 जून से ये योजना शुरू हुई है। तो आपको ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चों के पास या फिर गार्जियन के पास इंटरनेट नहीं है तो उनको जो है यहाँ पे मैसेज जो होता है नॉर्मल मैसेज जनरल मैसेज के जरिए स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो है सरकार का ये आदेश आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे कुशीनगर जो है यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे नया एयरपोर्ट बनने वाला है यूपी के कुशीनगर में। यहाँ पे जमीन जो है अलाट हो चुकी है एयरपोर्ट के नाम पर। तो यूपी में लखनऊ में, वाराणसी में, वाराणसी और नोएडा, ये तीन शहर हैं, इनमें जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से मौजूद है और चौथा बन जाएगा यहाँ पे कुशीनगर। तो यहाँ पे कुशीनगर में यूपी का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पे यूपी में लखनऊ में, वाराणसी में और नोएडा में ऑलरेडी पहले से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपस्थित हैं और ये चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से चार जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में क्लेयर कोनोर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे इंदिरा रसोई नामक योजना जो है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत कोई भूखा न रहे, एक तरह का ये टारगेट है सरकार का कि कोई भूखा न सोए इस कोरोना वायरस के संकट काल में। अगर जो भी ज़रूरतमंद होंगे उनको सस्ती दरों पर, जो भी ज़रूरतमंद या गरीब होंगे उनको सस्ती दरों पर इस रसोई द्वारा खाना प्रदान किया जाएगा। इसके लिए NGO लगाई गई हैं कई सारी, उनको देखने के लिए उन पर नियंत्रण भी रखा जाएगा सरकार द्वारा। और पौष्टिक नाश्ता और साफ खाना देना यहाँ पे जरूरतमंदों को इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी। तो यहाँ पे पूर्णिमा जनेन जो थी वो निशानेबाज थी, तो निशानेबाजी से वो संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक यहाँ पे लॉन्च की गई है। उसके जो लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अमीश त्रिपाठी जो है लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों यह पुस्तक जो है बहराइच के राजा सुहेल देव के जीवन पर आधारित है। इन्होंने क्या किया था कि जब 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और तुर्की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसको लूटा था, तो यहाँ पे इन्होंने उनसे संघर्ष किया था बहराइच का युद्ध में, ठीक है। तो उसमें जो है महमूद गजनवी की सेना को उन्होंने दांत कट्ठे कर दिए थे, यहाँ पे उनको बुरी तरह से हराया भी था, ठीक है, वो खदेड़ भी दिया था। तो इस तरह से इनका जो है पुस्तक यहाँ पे बनाई गई है उनके जीवन पर आधारित, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, जिसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMI के नए प्रमुख बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नीरकर प्रधान जो है भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMI के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में
हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख यहाँ पे लॉरेंट बोक्विलेट बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे अमर्त्य सेन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अमर्त्य सेन को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट WWE के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में अंडरटेकर जो थे, द अंडरटेकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट यानी WWE से यहाँ पे संन्यास ले लिया है, अब जो है इसमें ये नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो अंडरटेकर ने 1990 में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत WWE से किया था। 1990 में उन्होंने पहली बार हल्क होगन, एक समय के स्टार यहाँ पे रेसलर थे, उनको हराया था। उसी के साथ उन्होंने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत यहाँ पे WWE में किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक सेतु रामन पंचनाथन जो है अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व संगीत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस की बात की जाए तो यह हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे भी जो है हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 20 जून को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने के लिए UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा? तो यहाँ पे अगस्त माह में जो है एक माह के लिए, यहाँ पे एक महीने के लिए भारत 2021 में अगस्त माह में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश है और यहाँ पे 2022 में इसके बाद दूसरी बार बनेगा, यहाँ पे एक मंथ के लिए 2022 में भी यहाँ पे बनेगा, 2021 में तो बनेगा ही और 2022 में भी एक महीने के लिए बनेगा। तो ये जो 15 देश हैं बारी बारी से हर वर्ष जो है एक एक करके बनते हैं बारी बारी से एक महीने के लिए अध्यक्ष UNSC के, तो यहाँ पे भारत भी जो है यहाँ पे अगले 2021 में अगस्त में बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में उर्जित पटेल को यहाँ पे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पुणे में जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने हेतु एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे मुंबई में एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मुंबई। तो मुंबई में एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है, इससे जो है ICU में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, इनकी जानकारी इससे मिल पाएगी लोगों को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वह किन फिल्मों के निदेशक थे? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वो जो है मलयालम फिल्मों के निदेशक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मलयालम। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर
फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो यहाँ पे हाल ही में मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है, करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे मारुति सुजुकी ने फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो यहाँ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी यहाँ पे बहरीन को मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बहरीन में जो है यहाँ पे चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स होंगे। तो युवा पैरा गेम्स जो होते हैं, जो युवा विकलांग लोग होते हैं उनको जो है इन गेम में खेलने का मौका मिलता है, तो ये उन्हीं के लिए स्पेशली गेम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन किस राज्य में रज पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन ओडिशा राज्य में रज पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे सखरियार मामेदीरोव ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है। तो यहाँ पे शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप यहाँ पे सखरियार मामेदीरोव ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आईएमडी द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, जिसमें भारत को यहाँ पे 43वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 43वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला भारत का राज्य बना है, वो है उत्तर प्रदेश। तो यूपी को जो है यहाँ पे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सबसे ज्यादा मनरेगा में लोगों को रोजगार मिला है। 15 जून तक जो भी यहाँ पे मनरेगा का कार्यक्रम चला था उसमें जो है उत्तर प्रदेश के लगभग 57,13,000 लोगों ने वर्क किया, ठीक है। तो 57,13,000 लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है मनरेगा में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मनरेगा में रोजगार देने में पहले स्थान पे देश में है उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। तो लास्ट में जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश है 5वें नंबर पे, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में पूरे रेलवे स्टेशन में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु यहाँ पे कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये जो है थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए लगाया गया है यहाँ कोरोना वायरस के संकट काल में। यात्रियों की टेम्परेचर लेगा शरीर का, ये 0.5 सेकेंड यानी आधा सेकेंड के अंदर ही ये जो है यात्रियों का टेम्परेचर शरीर का बता देगा, ठीक है। तो ये रोबोट यहाँ कहाँ पे लगाया गया है, पूरे रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई पोर्टल शुरू किया है, इसका नाम है आरोग्य पथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये आरोग्य पथ एक तरह की वेबसाइट है जो लोगों को कोरोना वायरस के संकट काल में यहाँ पे लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये जो है एक वेब आधारित सप्लाई चेन सॉल्यूशन है जिसके द्वारा जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी इस पोर्टल से, ठीक है। तो इसका नाम आरोग्य पथ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन अमेरिकी साइंस अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में अमेरिकी साइंस अकादमी से जो है यहाँ पे अनमोल नारंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अनमोल नारंग जो है अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में सैलरी खातों के लिए जो यहाँ पे सैलरी खाते होते हैं उनके लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की गई है, ये जो है ICICI बैंक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है, ICICI बैंक द्वारा जो सैलरी अकाउंट्स होंगे उनके लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की गई है, जिसके द्वारा जो है सैलरी अकाउंट
के लिए ओवरड्राफ्टिंग की सर्विस के लिए लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिसको 48 घंटे में ये सुविधा उनको मिल पाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो अब जो है बैंक ड्राफ्टिंग के लिए, जो ओवरड्राफ्टिंग के लिए लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी, अब जो है उनको ऑनलाइन आवेदन करते ही यहाँ पे ये सुविधा मिल जाएगी। 48 घंटों में ये जो है पूरा उस सुविधा का लाभ लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? तो यहाँ पे दोस्तों मैट पूरे एक पूर्व क्रिकेटर थे, इनका निधन हो चुका है, तो ये जो है न्यूजीलैंड देश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, न्यूजीलैंड। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में COVID-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में यहाँ पे पंजाब की राज्य सरकार द्वारा तो COVID-19 की महामारी को लेकर यहाँ पे घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो है पंजाब की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? यहाँ पे दोस्तों हाल ही में कैथी ल्यूडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कैथी ल्यूडर जो है नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं? तो यहाँ पे जो है इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इम्तियाजुर रहमान जो है UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला जो बनी है वो है कैथी सुलिवान को जो है यहाँ पे मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली दुनिया की पहली महिला का खिताब मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है मारियाना ट्रेंच जो है दुनिया भर की सबसे गहरी जगह समुद्र में वहां तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, उनका नाम है कैथी सुलिवान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे बिहार खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में पंकज त्रिपाठी को यहाँ पे बिहार खादी माल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 14 जून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है, वह थे? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है, वो जो है एक अभिनेता थे, बॉलीवुड के अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने MS धोनी वगैरह बहुत सारी फिल्में अच्छी अच्छी बनाई थी, उनका जो है उन्होंने खुदकुशी कर लिया था अपने फ्लाइट में, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पे छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ओडिशा बना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, वह थे? तो यहाँ पे दोस्तों गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, वो जो है एक शायर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शायर। तो दोस्तों इस तरह से इस करंट अफेयर्स की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ये करंट अफेयर्स की वीडियो थी जिसमें मैंने यहाँ पे 15 जून से लेकर 1 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पिकअप किया था, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने इस वीडियो में पिकअप किया, उनको डिस्कस किया है इसमें। तो दोस्तों अगर आपने पहला वाला पार्ट इसका नहीं देखा है जिसमें मैंने 1 जून से लेकर 15 जून तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पे दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब जो है ये जून मंथ का जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया 2 वीडियो में, और अगली वीडियो जो आएगी यहाँ पे करंट अफेयर की वो जो है 10 या 11 जुलाई को आएगी, जो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स के लिए होगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।